सरसब्ज समाचार। थानापुर वाली छेद में ऑनर किलिंग की वारदात को अंजाम देने वाले मुलजिमों को पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है और प्रेस वार्ता करते हुए घटना का नामकरण किया है। पुलिस लाइन के मनोरंजन सभागार में पुलिस सर्वेक्षा में मौजूद इन चार अभियुक्तों का नाम करण पुत्र गुड्डू निवासी मोहल्ला का कस्बा व थाना कायमगंज जनपद फरुखाबाद, सनी पुत्र स्वर्गीय अजयपाल, गौरव पुत्र ओम प्रकाश, धर्मवीर पुत्र रामस्वरूप निवासीगढ़ मोहल्ला पूर्व थाना छोटी नगर या थाना कोतवाली है। बता दें कि 26 अप्रैल के दिन इन सभी लोगों ने मोहल्ला पूर्व थाना छोटी नगरिया में एक घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, जिसमें नवविवाहिता कोमल की मौत हो गई थी। वहीं कोमल का पति करण, उसका जेठ और उसकी सास एक अन्य घायल हो गए थे, जिसके बाद से वे सभी फरार थे। पुलिस अधीक्षक की ओर से सर्विलांस टीम ने 3 टीमों का इनकी गिरफ्तारी के लिए गठन किया था, जिसके बाद महज 24 घंटे के अंदर ही सर्विलांस टीम कोतवाली पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि रॉकी गोस्वामी पुत्र स्वर्गीय रामपाल गोस्वामी का मकान रविंद्र पुत्र अजयपाल के मकान के पास था और उसकी भतीजी कोमल पुत्र गुड्डू का यहाँ आना जाना था, जिसके चलते उसके छोटे भाई करण से उसके प्रेम संबंध हो गए को उसके परिवार और कोमल के परिवार द्वारा स्वीकार किया गया। कोमल की मां विनीता द्वारा 8 माह पूर्व कोमल की कोर्ट मैरिज करा दी गई थी। 20 अप्रैल को जनपद फरुखाबाद के कायमगंज में पूरी विधि विधान के साथ दोनों की शादी सम्पन्न कराई गयी। 21 अप्रैल को कोमल अपने पति करण के साथ मैनपुरी आई और यहाँ निवास करने लगी। कोमल की शादी का विरोध कोमल का भाई करण कौरव व उसके चाचा रविंद्र, दिलीप साहनी एवं धर्मवीर द्वारा किया गया था। इन सभी लोगों ने मिलकर 26 अप्रैल के दिन कोमल के घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें कोमल की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, बाकी के लोग घायल हो गए थे। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुलिस टीम ने बेहद कम समय में सभी अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी कर ली है। इस सफल अनावरण पर पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। वहीं उन्होंने क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। एक परसों कोतवाली क्षेत्र में बहुत ही सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि एक नवविवाहिता लव मैरिज था, लेकिन कोमल नाम की महिला की नृशंस हत्या उसके परिवारिक जनों ने ही अनर्थ क्लीनिंग कर दिया था। तो उसी क्रम में हमारी पूरी सर्विलांस की टीम कोतवाली की पुलिस से सारी निशानी लगी हुई थी। इन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम देते समय काफ़ी नृशंस तरीके से उसकी हत्या की गई। उसके हस्बैंड को भी गोली मारी गई, वो अभी जीवन संघर्ष कर रहा है। माँ को भी इन्होंने गोली मारा, बट तमंचे के पट से मारा। आज ये 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं और 2 जैसा आपने देखा तो तमंचे जो कि घटना में यूज हुए थे अभी बरामद हुए हैं इनके साथ ही पर। और पूरी घटना का विद इन 24 आवर्स हम लोगों ने अनावरण करते हुए इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। पूरी टीम को हमारी तरफ से 25,000 का रिवार्ड घोषित किया जाता है। उसके सगे भाई, मामा, चाचा, मामा, इन्हीं लोगों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था, भागने में मदद की थी चाचा और मामा लोगों ने। इस तरह से पूरी ये जो हत्यारा है ये करण, ये मटका का सगा भाई था और उसकी बहन कोमल ने इंटरकास्ट मैरिज किया था, वो भी करण नाम का था। इससे नाराज था और पूरे परिवार ने फिर इस तरह से साजिश रची और घर के भीतर में दिन में ही सरेआम हत्या कर दी।